शुरुआत है। इस शुरुआत के पीछे एक कारण है कि हम लोग जब बिहार म्यूजियम बना रहे थे उस समय भी सोचे थे केवल इसको म्यूजियम नहीं बनाए, इसको कला का केंद्र बनाया जाए। म्यूजियम में क्या होता है, जब आप म्यूजियम जाते हैं तो म्यूजियम में जो चीज प्रदर्शित है उसको केवल आप देखते हैं और वहां सीखते हैं, लेकिन अगर केवल एक खूबसूरत बिल्डिंग बना दिया जाए और बहुत अच्छी अच्छी कलाकृति रख दी जाए तो उसमें गतिविधि अपने से नहीं हो सकती। म्यूजियम जो आज दुनिया में होता है गतिविधि का म्यूजियम है, एक्टिविटी का, आपको इतनी एक्टिविटी करनी पड़ती है कि कला प्रेमी लोग आए, बार बार आए और लोग उन चीजों में भाग भी लें, पार्टिसिपेट भी करें, एक्सपीरियंस भी करें। ये म्यूजियम एक्सपीरियंसियल म्यूजियम है, यहाँ हम लोग वो ज्ञान नहीं बांटना चाहते हैं लेकिन लोगों को मजा आए, उत्साह आए, पूरा पूरा परिवार के साथ लोग आए, बच्चा चिल्ड्रन सेक्शन में एंजॉय करे, जिसको शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग करे, जिसको बिहारी खाना खाना है वो रेस्टोरेंट जाए, जिसको हिस्ट्री समझना है हिस्ट्री वाले हमारे गैलरी में जाए, जिसको बिहार की लोक कला देखनी है वो हम लोग का जो लोक कला का कलेक्शन है उसको देखे, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं वो देश के 25 बड़े कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के काम लगे हुए हैं उसको देखे, उससे समझे। तो हम लोग शुरू से ये मानते हैं कि इसको गतिविधि का केंद्र बनाना है। इस गतिविधि इसी बैकग्राउंड में हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू की है और अपने बिहार की आबादी युवा आबादी है इसलिए हमारे केंद्र में कलाकार और बड़े लोग तो है ही है, बच्चे काफी प्रमुख स्थान पाते हैं। इसलिए अभी शुरुआत हमने की थी बच्चों के साथ एक्टिविटी की, बहुत सारा एक्टिविटी शुरू किया गया है। जैसे एक तो है कि अपने इतिहास को जानना, हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है जो युवा है वो जाने कि अगर कोई चीज है कोई मूर्ति है तो क्या मतलब है उसका, कैसे बिहार के गौरव से बिहार के इतिहास से बिहार के हेरिटेज से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया गया है स्कूल के बच्चों के साथ जिसमें हम उनको क्यूरेटेड वॉक देते हैं, घुमाते हैं, फिर उनके साथ कुछ आपस में एक्टिविटी करते हैं। अभी बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग जो बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको भी कला जानना चाहिए, उसको भी कला का आनंद होना चाहिए। तो बच्चों पे एक फोकस करके बहुत सारा सीरीज में काम शुरू किया गया। विद्वान लोगों के लिए जैसा बंदा ने बताया हम लोगों ने दो कोर्स शुरू किया जो आपका, और हम लोग सोचा नहीं था कि जब हम लोग कोर्स शुरू कर रहे थे कितने लोग पूरे देश से भाग लेंगे। अभी मैं भाग लेने वालों का डिटेल्स देख रहा था तो पूरे देश से लोगों ने भाग लिया और कई तो विद्वान लोगों ने भाग लिया, और मैंने फिर भी काम रखा था तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो भीड़ काफी है और उसमें ऐसा नहीं खाली बिहार के लोग, तो इससे भी उत्साह बनता है आने वाले समय में और कोर्स करना चाहेंगे। हम तो फिजिकल भी करना चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि कला को देखने का एक नजरिया डेवलप हो, कला का महत्व लोग समझे। तो हम लोग वीकेंड्स में भी कुछ कार्यक्रम करेंगे, जिन लोगों को मन है आने का देखने का समझने का तो उनको एक मौका मिले। आज का जो कार्यक्रम है रेट्रोस्पेक्टिव, हम लोगों ने प्रदर्शनी का आयोजन किया है और हमने शुरू किया है तो बिहार के कलाकारों से, अपने बिहार में बहुत सीनियर और बहुत अच्छे कलाकार है लेकिन हुआ क्या है जो उसका दुनिया का जो मार्केट का जो इन्फ्लुएंस है उसके कारण ये कला की दुनिया दिल्ली मुंबई और कुछ बंगलोर कुछ शहरों में सीमित हो गई। तो जब